ये जो है कुटा हुआ धनिया मैंने डाल दिया साबुत। I cannot, मैं तो आपकी आधी भी स्पीड नहीं है मेरी। ओके सो ये सारे जो है इसमें आपने सेट किया, मैश किया, नमक और काली मिर्च डाली क्योंकि ये बच्चे आ रहे थे माशाल्लाह से। वाओ जबरदस्त, किसने बनाया, तुमने बनाया? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। आज वीकेंड है और माशाल्लाह ऑलमोस्ट हर वीकेंड पर बच्चियां आती हैं। आज जो है वो नूर ने सिनेमन रोल्स बनाए हैं, ये भी समझें कि एक तरह से मजाक मजाक में चैलेंज ही मिल गया था उसको। उससे पहले भी वो दो तीन मरतबा बना चुकी थी लेकिन ये एक आज चैलेंज के तौर पर बनाए गए थे, तो देखते हैं उसने कैसे बनाए, उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी यहाँ पर। वैसे माशाल्लाह बहुत ही मज़े के सिनेमन रोल्स बने थे। नूर इसमें क्या क्या डाला हुआ है? मिल्क एंड इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, कितना कितना है ये? मिल्क कितना है? वन कप मिल्क, ओके, वन एंड हाफ टी स्पून ऑफ, टू एंड हाफ टी स्पून ऑफ ड्राई ईस्ट, ठीक है। ये अच्छा जी, अंडा एक ही अंडा, टू, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एंड बना रही हैं आप सिनेमन रोल और ये चैलेंज मिला हुआ है आपको, आज देखते हैं। आई नो बहुत टेस्टी से, दान ने नहीं खाया तो उनको लग रहा है कि आप नहीं बनाए, लेकिन मैं खा चुकी हूँ तुम्हारे बने हुए सिनेमन रोल और इंशाल्लाह ये वाले भी अच्छे बनेंगे। अभी तक हमने तीन चीज़ें ही ऐड की हैं, मिल्क, ड्राई ईस्ट एंड एग्स, वन थर्ड कप ऑफ शुगर, ये तकरीबन 100 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ओके ओके दैट्स फाइन। बटर कितना है? थर्ड कप बटर भी, ठीक है। अच्छा शुगर भी थर्ड कप है और बटर भी थर्ड कप, ठीक है। 5 जो है इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। सॉल्ट हाफ स्पून लग रहा है मुझे, वन टी स्पून, ओके। और ये फ्लावर कितना है? फोर कप ऑल पर्पज फ्लावर, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो ऑल पर्पज फ्लावर, राइट? ओके गुड। यू आर एडिंग इन दैट मिक्सचर, ठीक है। मिल्क और एग का जो मिक्सचर था उसके अंदर ये 4 कप्स ऑफ जो ऑल पर्पज फ्लावर है वो मिक्स कर दिया और 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, 5 to 10 मिनट्स। दिस इज 1 कप ऑफ बटर एंड 1 कप ऑफ ब्राउन शुगर, हाफ अ कप ऑफ बटर, ओके हाफ कप ऑफ बटर, ओके, वन कप ब्राउन शुगर, टू टेबल स्पून सिनेमन पाउडर, ओके, हाफ कप बटर, 1 कप ऑफ ब्राउन शुगर एंड 2 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर। चल एक और डल गया, मिक्स मिक्स मिक्स। अभी रोल बना लोगी ना नूर इसको? Yeah, so we first make a rectangle shape. And then I put the filling that we made in here. Yeah, the next process हम देखते रहेंगे कि क्या आप प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि you are rolling it, your dough. Okay. Okay जी, तो आपने इसको You roll the dough, ठीक है? अच्छा जी, it's okay. And now you are spreading the filling. The filling, okay. वाह भाई वाह, चलें भाई, ये हो गया, आपने complete जो है इसके ऊपर जो उसकी filling थी spread कर दी है, ठीक है।
और ये फिलिंग जो है वो बटर, सिनेमन एंड ब्राउन शुगर की है, ठीक है। चले भाई, और इसको रोल करना है। या थैंक यू सो मच नूर फॉर शेयरिंग योर रेसिपी। हाँ, इसको थोड़ा टाइट टाइट करके ना, हर उसकी लेयर को। तो ये आपने एक जो है उसको काट लिया जो कि किनारे वाला था, इसको सबको। ओके ठीक है, ये सब जो है ना, ये उसमें इस पूरे को काट काट के रोल आप जो यहाँ पे रख रहे हैं, नाइस। और थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लिया है ना इस ट्रे को जो है। ओके, सो ये सारे जो हैं इसमें आपने सेट कर दिए गाड़ी। 12x12 ठीक है। अच्छा, अब क्या होने लगा? और एडिंग बटर आप ऐड कर रहे हैं, किस चीज में ऐड कर रहे हैं? टू दिस बॉल में। अच्छा, अच्छा बटर है 1 कप राइट, या 1/2 कप? अच्छा चलो 1/2 कप समझ लो। ये क्या है? हाँ कर दीजिए ऐड, या ये इधर कर देती, करीब कर देती हूँ। अल्लाह कितना मुश्किल काम है भाई। ओ ओ ओ हाँ भाई चलो, चल ठीक है भाई। वाह भाई वाह, तैयार है। इतनी मजे की खुशबू आ रही है ना, जैसे ये जब ये बन ही रहे थे ओवन में, ये देखिए अभी तक बबल्स उठ रहे हैं, नजर आ रहे हैं गर्मा गर्म खुशबू वाले। बहुत ही टेस्टी से रोल रेडी हैं। तकरीबन 22 मिनट्स के लिए रखे थे नूर? ओके अच्छा, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हमने 350 डिग्री पे रखा था, 375 पे रखा। ओके 375 पे रखा। नूर ने गर्मा गर्म सिनेमन रोल्स को मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग से कवर किया। अच्छा, आज के लिए मैंने जल्दी से चिकन कढ़ाई बना ली थी, उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। अब मैंने कोई ज़्यादा ख़ास मसाले वगैरह नहीं डाले, बल्कि सिंपल तरीके से ही चिकन कढ़ाई बना ली थी। ओके, ये है 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून साबुत मिर्च, काली मिर्च 1 छोटा चमचा है, हल्दी 1/2 चम्मच और ज़ीरा जो है पिसा हुआ ज़ीरा ये है 1 चम्मच। मैंने 8-10 के करीब 8-10 जो है लौंग, 1 इलायची, लहसुन अदरक का पेस्ट, और यही मैं डाल के भी भून लेती हूँ। और जो है साबुत धनिया वो मैं डालूंगी कुटा हुआ।
ये है टमाटर, तकरीबन 4 टमाटर और हरी मिर्च डाल दी मैंने। ठीक है, पानी सूख जाएगा तो मैं इसको भून लूंगी। ये जो है कुटा हुआ धनिया मैंने डाल दिया साबुत। ओके, ये मैंने डाल दिया है साथ में सूखी मेथी, और ये सूखी मेथी डाल के और मैं इसको दम पे रख दूँगी। ये भुन चुका है चिकन सारे मसालों के साथ, अब सूखी मेथी के साथ दम पे जाएगा। क्या हो रहा है भाई? ओहो, नूडल्स ले था मैं, नूडल्स की। वाओ, जबरदस्त। किसने बनाए, तुमने बनाए? और क्या हो रहा है भाई? अम्मी क्या बन रहा है? आलू के पराठे बन रहे हैं, क्या क्या बनाया है? बना रही हूँ अभी, और चिकन कढ़ाई भी तैयार हो गई। चिकन कढ़ाई भी निकालो बेटा, और चिकन कढ़ाई में नूडल्स बनाए हैं। चलो चिकन कढ़ाई रख दी है। अच्छा ये है, अच्छा ये तो ये वैसे आप ये दो दो तवे क्यों यूज कर रही हैं? जल्दी जल्दी के लिए सब लोग। ओह माय गॉड, अम्मी यार माशाल्लाह से, आई कैन नॉट, मैं तो आपकी आधी भी स्पीड नहीं है मेरी। एक्चुअली मेरी जिंदगी में पराठे तो बनाए ही नहीं एक्चुअली, शायद शादी। ओह मैन वाओ, और मेरी कंट्रीब्यूशन देखे यूट्यूब वीडियो। आप सारे वर्ल्ड में परफेक्ट हैं। स्किल्स में नहीं, लाइक करियर वर्ल्ड, हाउस वाइफ वर्ल्ड, कुकिंग, दिस दैट। वर्किंग वुमन नहीं सर, मैं नहीं तुबा। ये जो वर्किंग वुमन होती है ना, ये बहुत सारे हेयर चेंज करती है। दैट्स ट्रू। वो वहीं से घर में कदम रखा नहीं, माँ बन जाती है। तो ये मैं नहीं हूँ, ये वर्किंग वुमन की एक खसूसियत है। और आई वुड से सभी करते हैं यार, मैंने भी यही सोचा था। स्पेशली आई थिंक जो फादर्स वगैरह हेल्प करते हैं, आई थिंक इट बहुत हेल्पफुल हो जाता है जब आपका पार्टनर हेल्प करते हैं। तो जो है ना, बच्चों की माओ को एक आदत सी होती है कि बहुत जिम्मेदारी ले लेती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा। नूर मुझे प्लेट ना। अच्छा आपने वो पराठे की रेसिपी बनाई है कि नहीं बेटा? इतने मैंने वो कोई खास पराठे, आलू में मैंने बहुत सिंपल रखा है मसाला। आलू जो है बॉईल किए और जो है मैश कर दिए, मैश किया, नमक और काली मिर्च डाली, क्योंकि ये बच्चे आ रहे थे माशाल्लाह से, मेरे ग्रैंड किड्स आ रहे थे। हाँ। और अगर उनको नजर आ जाए जी ग्रीन लीव्स हैं, हाँ। है, वो है, फिर वो नहीं खाते। और मैंने साथ में इसीलिए जो चिकन कढ़ाई भी बनाई हुई है और दूसरी चीजें हाँ। रख दी है, ताकि आप लोगों को सही जो मसाला चाहिए आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना वो एक वीकेंड होता है, क्योंकि एवरीवन बिजी वीकडेज, तो वीकेंड होता है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम लोग मिलकर खाना खा लें। सही, चलो चलें, आ जाइए। चिकन भी खाइए, ये जो वन चिकन, चिकन है तो ओके बेटा, वन बेटा। खाना खाने के बाद सब ने गर्मा गर्म चाय के साथ सिनेमन रोल एंजॉय किए। अदनान आपने टेस्ट किया? हां, वेरी गुड। या, दैट्स वेरी गुड। ओके, आई गिव अप एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आई कैन टेल द डिफरेंस, इवन द टॉपिंग। या सी, या सारी चीजें इसने खुद बनाई हैं। दिस इज एक्चुअली मोर फ्रेश, बिकॉज़ दिस इज, या गुड जॉब नॉर। थैंक यू।
Very good job. So you like it, right? I love it. ओके गुड। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।